अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ जिसमें हम ब्रेक की कैलकुलेशन निकालते हैं कि कितनी उसकी क्वांटिटी निकलती है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक वॉल ली है जिसकी लेंथ है 20 फीट है, हाइट 20 फीट है, जो उसकी थिकनेस है वो 9 इंच है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स कैलकुलेशन निकालने के लिए हमेशा आप एक चीज़ याद रखें कि ये चीज़ आप इस तरह इसको याद रखें कि आपको ये उंगली पे आनी चाहिए नीड। सबसे पहला स्टेप उसको होता है कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाल पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाल किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाल उस चीज़ को कहते हैं कि आपको एक वाल की लेंथ पता हो, उसकी आपको हाइट पता हो, उसकी आपको थिकनेस पता हो, उसके बाद ही आप जाके उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें। अब आप देखें यानी कि हमें यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ लेंथ है वो उसमें तो हमें हर चीज़ रिक्वायर्ड है। ये देखें, ये लेंथ हमें 20 फीट ये हमें पता है। इसके बाद से जो हाइट है वो भी 20 फीट है, वो भी हमें रिक्वायर्ड है, पता है हमें इसमें। उसके बाद जो इसकी थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो है 9 इंचज़ है। ठीक है, हम जब हमारे पास ये भी 20 फीट, ये भी फीट में है, ये भी फीट में है, तो इसको भी हम इंचेस, ये 9 इंचेस है, इसको हम कन्वर्ट करके फीट में करेंगे। ये देखें, 9, एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 12, 0.75। ये 0.75 ये भी फीट में आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें, स्टेप वन में ये वॉल्यूम ऑफ वाल, इसका वॉल्यूम ऑफ वाल किस तरह निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाल में वही मैंने आपको बताया कि हमें यानी कि इसकी लेंथ, इसकी जो ब्रेथ थिकनेस है और इसकी हाइट कितनी है, ये हम तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। ये देखें, लेंथ 20 फीट है मल्टीप्लाई उसकी हाइट 20 है, उसकी थिकनेस 0.75 है, ये हमारे पास 300 आ गया, 300 CUF आ गया, ये आ गया। तो ये पे तुम्हारे पास पहली चीज़ तो वॉल्यूम ऑफ वाल आ गई, ये वॉल्यूम ऑफ वाल है। अब इसके बाद हमें स्टेप टू में पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स के लिए भी सेम वही तरीका है कि हमें ब्रिक्स की लेंथ पता हो, उसकी यानी कि मोटाई पता हो ब्रिक्स की, और उसकी हाइट पता हो यानी कि। ये देखें, अच्छा ये इसकी यानी कि ब्रिक की जो लेंथ है वो 9 इंचेस है। तो जैसे ही बात पीछे हम यानी कि फीट में कर रहे हैं तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम जो भी हम पीछे हमें फीट में लिए इसको भी फीट में करेंगे, क्योंकि हमारे सारा उसमें आ रहा है। अभी देखिए, 9 इंच है उसकी लेंथ, इसको हम फीट में कन्वर्ट करें, 9 डिवाइडेड बाई 12, एक सेकेंड, ये 9 डिवाइडेड बाई 12, 0.75, ये 0.75 ये इसकी लेंथ आ गई है। उसकी थिकनेस कितनी है, ब्रेथ ऑफ ब्रिक्स, वो 4.5 इंच है, ये स्टैंडर्ड रेट है साइज इनकी। अब देखें, 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 0.375, ठीक है। अब उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि हाइट ऑफ ब्रिक, हाइट उसकी हाइट कितनी है, वो है 3 इंच, इसको भी हम उसमें कन्वर्ट करें, 3 डिवाइडेड बाई 12, 0.25 फीट आगे। ठीक है, अब इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं ब्रिक्स का। इसका भी सेम प्रोसेस वही है, यानी कि वॉल्यूम का कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये देखें, 0.75 × 0.375 × 0.25 = 0.0703, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम इसका आ गया। ठीक है, इसके बाद जब जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाल भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी आ गया, तो सिंपल बात है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इसका नंबर ऑफ ब्रिक्स का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद ये देखें, वॉल्यूम ऑफ वाल हमारे पास कितना आया था, 300 CFU, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमारे पास आया था 0.0703 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 4267, इट्स मीन 4268। एक बात इसमें आप याद रखें कि जब भी यानी कि आप ब्रिक की कैलकुलेशन निकालेंगे तो इसमें आप 10% ऐड ज़रूर करेंगे, इन केस जब आपकी ट्रक की लोडिंग हो रही होती है तो उस टाइम आपकी ये ब्रिक्स डैमेज हो जाती है, और जब उसके बाद यानी कि आपका ये आपके पास ब्रिक्स आ जाती हैं, कोई उसमें से ख़राब भी होती है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि उसमें 10% आपने उसमें ऐड करना है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नहीं कि अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।